हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम, एंड आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक सोल्डरिंग आयरन। तो फ्रेंड्स, ये सोल्डरिंग आयरन बहुत ही काम का है और ये बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही शानदार अपना जो सोल्डरिंग आयरन है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। सबसे पहले हम एक टीन का टुकड़ा ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये आप कोई से भी पुराने तेल के पीपे में से निकाल सकते हो, या फिर आप जहाँ कूलर बनते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। तो हमें करना क्या है, हमें स्केल की मदद से 0.8 0.8 दोनों साइड ले लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है। जहाँ 0.8 ले रहा है हम, वहाँ से हमें लाइन खींच के मोड़ना है। तो हम फटाफट से लाइन खींच लेते हैं और हम मोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी गलती दिखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि भाई आपने ये गलती कही है, तो मैं इसे अगली वीडियो में ज़रूर सुधारूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो लाइन के अंदर है 1.5 mm वो सेंटीमीटर लिया है, देख सकते हैं आप, वो कॉइल आराम से आ गई है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, एक जो हमारे दो रहेंगे क्लै वो कवर, तो फ्रेंड्स एक जो है जो बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा। फ्रेंड्स, हमारे पास स्पाइस तो नहीं है, इसलिए हमने एक देसी जुगाड़ बनाया है। आप भी इसे बना सकते हैं। राइट एंगल लेना है उसके ऊपर, उसके नीचे एक वुडन ब्लॉक रखना है और हथौड़ी की मदद से उसे ठोक देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ठोक देता हूँ इसे। और फ्रेंड्स, अब वुडन ब्लॉक पर रख के उसकी जो कॉर्नर है उसे अच्छे से हम ठोक देते हैं ताकि वो अच्छे से मुड़ जाए। तो फ्रेंड्स, ये आप एक बार ज़रूर बनाएं। और फ्रेंड्स, इसे अगर मैं बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बना सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब पे ढेर सारी चीज़ रहती है जो कि हम नहीं बना सकते। और मैंने भी कई चीज़ ट्राई करी लेकिन बनती नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमने दो ट्रैक बना लिए हैं। और फ्रेंड्स, जो नीचे वाला है थोड़ा बड़ा है, जो ऊपर वाला है वो थोड़ा छोटा है। फ्रेंड्स, आप दोनों बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा लिया है। आपकी जैसी मर्ज़ी, आपको लेना है आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी जो बीट है इसकी अनबॉक्सिंग देखना है तो आप अगली इसकी जो पहली वीडियो है उसमें देख सकते हैं। इसकी जो अनबॉक्सिंग की वीडियो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाइए और वहाँ पे उसकी देखिए। उसके प्राइस प्राइस उसका प्राइस जो है वो है 20 रुपये। तो फ्रेंड्स, अब हम बीट के लिए एक बोल्ट कसेंगे, उसके लिए हम होल कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ड्रिल नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, ये जो टीन है उसमें खिलने से भी होल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खिल्ला भी नहीं है तो आप कोई कैची वैची उससे भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बोल्ट रहा है, हम इसे कस देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एलिमेंट है। और फ्रेंड्स, ये एलिमेंट मुझे मार्केट से मात्र 15 रुपये में मिला। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक नट कस देंगे बोल्ट में। ताकि वो नट जगह से नहीं ले। और फिर हमारी जो बीट है वो फंसेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसे पेचकस की मदद से कस देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एलिमेंट। फ्रेंड, जो एलिमेंट है उसके अंदर जो गेप है उसमें हमें बीट फंसाना है। और अब हम नट में इसे फंसा देंगे और उसके ऊपर एक और बोल्ट कस देंगे। फ्रेंड्स, याद रखिए जो बोल्ट बोल्ट का जो रहेगा हमारा होल वो एकदम सेंटर में रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी जानकारी की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जल्दी से ही। मैं चेक करते रहता हूँ अपने व्यूवर्स की कमेंट।
फ्रेंड्स ये रहा हमारा फाइबर स्लीव। फ्रेंड्स अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, वैसे उन्होंने वो दिया है, लेकिन हमें एकदम सेफ चाहिए, इसलिए हम ये लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं दोनों साइड लगा लेता हूँ ताकि जो हमारी एलिमेंट का जो करंट है वो इधर ट्रांसफ़र ना हो और हमें कभी धोखे से भी करंट ना लगे। फ्रेंड्स मैं दूसरी वायर पे भी लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स ये आपको मोटर वेंडिंग की दुकान में 5 रुपये की आसानी आराम से मिल जाएंगी। फ्रेंड्स ये 5 रुपये फिट होती है, मैंने 10 रुपये की 2 फिट लाया था। और फ्रेंड्स एक बोल्ट कस दिया, अब हम इसका जो कवर है दूसरा वाला ऊपर साइड वाला उसको भी कस देंगे। फ्रेंड देख सकते हैं अच्छे से फिट हो गया, और जो हमारा एलिमेंट था जो हमारी कॉइल वाला था वो सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें हैंडल बनाना है। तो फ्रेंड्स हम पिंचिस से प्लार की मदद से अच्छे से कस देंगे ताकि बार बार निकले ना और बार बार ढीला ना हो। तो फ्रेंड्स हम इसे पीछे साइड होल्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पहले खिल्ले से कर दिया था उसमें होल, आप देख सकते थोड़ा थोड़ा होल है। फ्रेंड्स मैंने खिल्ले से कर दिया था, सेंटर पंच दे दिया था ताकि हमारी जो बीट है वो बार बार हिले ना। तो फ्रेंड्स ये देख सकते होल हो गया हमारा। अब जो हमारा पीवीसी पाइप है उसमें भी होल हो जाएगा, कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स हमें जो एलिमेंट का जो 4 सेंटीमीटर है वो 4 सेंटीमीटर अंदर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो जो पीवीसी पाइप है वो बड़ी आसानी से इसके अंदर फिट हो गया है। आप चाहे तो थोड़ा मोटा वाला पीवीसी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आला था तो मैंने आला यूज़ करा है। फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर पीछे साइड से वो एलिमेंट का पीवीसी पाइप के अंदर तक जाएगा। तो फ्रेंड्स उसी के हिसाब से हम होल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो शोल्डर आयरन है ये बहुत ही शानदार वर्क करता है। और फ्रेंड्स इसका जो हीटिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है। और फ्रेंड्स हम पीछे का जो कवर है जिससे वायर आएगा वो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका जो टाइम है वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स हम इसे इंस्टेंट ग्लू फेविक की मदद से आप चिपका देंगे। फ्रेंड्स आप ग्लू गन की मदद से भी चिपका सकते हैं, लेकिन थोड़ी जल्दी निकल जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी 2-4 वीडियो बाद बताऊंगा कि आप कौन सी ग्लू स्टिक यूज़ करें और कौन सी ग्लू गन यूज़ करें। तो फ्रेंड्स अगर आप मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा अब, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड जब बचा वाला पार्ट था उसका प्लाई का MDF बोर्ड का, उसको हम सैंड पेपर की मदद से घिस देंगे। अब फ्रेंड्स हम वायरिंग करेंगे। फ्रेंड्स वायरिंग जो है वो एकदम सिंपल है, जो 2 वायर निकले एलिमेंट के वो दोनों ही अपने इसमें जाएंगे, डायरेक्ट AC में लगेंगे। तो फ्रेंड्स मैं लीड के वायर में लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स इसमें हम 5 mm LED भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगाए ताकि हम इसे हम डायरेक्ट AC 220 वोल्ट से चला सके। फ्रेंड्स इसका भी सेम सर्किट रहेगा, डायरेक्ट AC। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये 2 वायर देख रहे हैं। फ्रेंड्स एकदम सिंपल सा इसका जो सर्किट है वो सिंपल से डायरेक्ट 2 कॉइल के वायर है एलिमेंट के, दोनों AC में जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इधर भी हम फाइबर स्लीव लगा देंगे। फ्रेंड एक्चुअली मेरे को टेपिंग करना नहीं आता है, इसलिए मैं फ़ाइबर स्लीव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप पास फाइबर स्लीव नहीं है तो आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं दोनों तार पे लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स फाइबर स्लीव बहुत अच्छी रहती है, टेप को बार बार निकालना पड़ता है, फाइबर स्लीव को एकदम नाच भी नहीं जाती है, बहुत सस्ती भी आती है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स मैंने पीवीसी के पाइप के पीछे साइड में होल कर दिया है, जहाँ से हम जो एलईडी की अगर वो दिखे तो जल्द तो हमें दिख जाए। तो फ्रेंड्स अब होल कर दिया हमने, अब उसमें पीछे साइड भी एक नट कस देंगे हम। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नट, अभी हम इसे लगा के कस देंगे। फ्रेंड्स ये नट आपको 1 या 2 रुपए में मिल जाएगा, या फिर आपके पास अगर कुछ पुरानी चीज़ हो तो उसमें से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो नट है मैंने पुरानी डीवीडी में से निकाला है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आधी ज़्यादा रीयूज चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक प्रकार से मैं रिसाइकल कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब जो नट था उसको हम पिंच से कस देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप पीछे साइड मैंने होल कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम 2 PVC सॉरी MDF पाइप के वो MDF शीट के टुकड़े लेंगे, वो जो गेप है उसे भर देंगे। तो फ्रेंड्स एक साइड लगा दिया, दूसरी साइड भी लगा देंगे हम। फ्रेंड्स दूसरी साइड भी लगा दिया हमने, अब ये हिल भी नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब टेस्ट करते हैं इसे। फ्रेंड्स ये रहा हमारा 220 वोल्ट। फ्रेंड देख सकते हैं एलईडी ब्लिंक होने लग गई है। फ्रेंड्स ये भी थोड़ा गर्म हो चुका है। फ्रेंड्स अब इसे सॉल्व, आप देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है। फ्रेंड्स अब मैं देखो वायर कितने आसानी से मेल्ट हो जा रहा है। फ्रेंड्स मैं सोल्डरिंग करके बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स ये हेवी ड्यूटी सोल्डर आयरन है। फ्रेंड्स जो हमारे सोल्डर रहते हैं जो इंडिया में मिलते हैं 70-80 रुपये वाले, फ्रेंड्स उससे बहुत बढ़िया है सोल्डर आयरन है ये। और फ्रेंड्स मात्र 40 रुपये में बन के हमारा जो है सोल्डर आयरन तैयार हो चुका है। और फ्रेंड देख सकते हैं बहुत बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, बहुत शानदार वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का थोड़ा ज्ञान, जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। धन्यवाद।